दहेज का दानव सिर्फ गरीब लोगों को ही डसता है, प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, ऐसा नहीं है। दहेज का दानव बड़े घरों की भी दहलीज डांक कर उन घरों का चैन और सुकून भी खत्म करता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। अभी हाल ताज में एक आईएएस मोहित बुंदस के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। एक बात समझ से परे है कि आखिरकार एक आईएएस के पास ऐसी क्या कमी थी जिसके चलते एक आईएएस ने एक महिला के पिता से दहेज की मांग की। यह सवाल तब और परेशान करने लगता है जब उस आईएएस की पत्नी भोपाल की इनकम टैक्स की डिप्टी कमिश्नर हो। आखिरकार एक आईएएस की पत्नी जब इनकम टैक्स की डिप्टी कमिश्नर हो तो उसकी भी अच्छी खासी वेतन होगी। ऐसे में किसी आईएएस के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई गरीब आदमी दहेज मांगे तो बात समझ में आती है, लेकिन जब संपन्न आदमी दहेज मांगता है या उसके ऊपर दहेज मांगने के आरोप लगते हैं तो बात कहीं ना कहीं समझ से परे हो जाती है। आईएएस की पत्नी शोभना मीना बुंदस ने अपने आईएएस पति के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जैसा कि दहेज प्रताड़ना के मामले में सभी लड़कियां अपनी सास और ननंद के विरुद्ध भी मामला दर्ज कराती हैं, ठीक उसी तरीके से इनकम टैक्स विभाग की डिप्टी कमिश्नर शोभना बुंदस ने भी अपनी सास और डॉक्टर ननंद के खिलाफ भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है और मामला पंजीबद्ध भी हो गया। इनकम टैक्स की डिप्टी कमिश्नर ने अपने शिकायत में पति और उनके परिवार से उन्हें उनके बच्चे को बचाने के लिए पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है। कहानी पूरी तरह से नई नहीं है। हिंदुस्तान में जिस तरीके से अन्य महिलाएं दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाती हैं, ठीक उसी तरीके से इनकम टैक्स की डिप्टी कमिश्नर ने भी अपने पति और पति के परिजनों के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से अन्य महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज करती है, ठीक उसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर की शिकायत पर भी उनके आईएएस पति पर मामला दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उनकी शादी 2012 में मोहित बुंदस के साथ हुई थी। शादी हुए 10 साल बीत गए, 10 साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन 10 साल बाद मामला दहेज मांगने का लगने लगा। आखिरकार 10 साल तक किस बात का इंतजार होता रहा? आखिरकार 10 साल के बीच में दहेज की मांग की शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई? वैसे हिंदुस्तान के अंदर दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, इस बात का कानून भी बना हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान की आबादी के मुताबिक अगर देखा जाए तो 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो दहेज लेने और दहेज देने का विरोध करते हैं। इस देश के अंदर तो आईएएस मुंह मांगी कीमत में बिकते हैं या मुंह मांगी कीमत में खरीदे जाते हैं। यदि इन सब बातों की बारीकी से जांच हो जाए तो शायद ही इस देश का कोई आईएएस दहेज लेने के आरोप से बच पाएगा। लेकिन जिस तरीके की कहानी सामने आ रही है उससे एक बात साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की डिप्टी कमिश्नर की मान मर्यादा के साथ उनके परिजन सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसी महिला का भारतीय कानून द्वारा प्रदत्त सबसे सशक्त हथियार होता है दहेज एक्ट। यदि वाकई में एक आईएएस परिवार किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो निश्चित ही यह बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन यदि एक आईएएस का परिवार दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं कर रहा है तो किसी भी महिला का उसके पूरे परिजनों को दहेज एक्ट में फंसाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जो भी हो, पुलिस को बारीकी से जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। वैसे आज तक तो यही देखा गया है कि जब भी किसी महिला ने दहेज एक्ट का मामला दर्ज कराया है तो पुलिस प्रशासन ने पुरुष और उसके परिजनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने का ही प्रयास किया है। न्यायालय से भले ही पुरुष और पुलिस को परिजनों को न्याय मिल जाए, यह अलग बात है। विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए अंदाज में खबरें देखने को मिलती रहें।